गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ वी डिस्कस कैपेसिटर. कैपेसिटर हमारे दो टाइप के होते हैं. पहले पीछे बता चुके हैं हम कैपेसिटर क्या होता है. टू कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज. ठीक है, कैपेसिटी होती है और क्या काम करती है, चार्ज को स्टोर करती है इन स्मॉल स्पेस, स्मॉल प्लेस में. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट. दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट होंगी. ठीक है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होगा. ठीक है, एंड हैव कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. और लार्ज अमाउंट में उसके अंदर क्या करना है, उसको चार्ज को स्टोर करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. कैपेसिटर का सेकेंड नाम क्या है, कंडेंसर. कंडेंसर भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे पंखे के अंदर आपने देखा है कंडेंसर, तो ये कंडेंसर भी बोला जाता है और कैपेसिटर भी बोला जाता है. कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट सेपरेटेड बाय द स्मॉल स्पेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन इट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर. और इट्स अदर नेम इज कंडेंसर. ठीक है, अब कैपेसिटर हमारे तीन टाइप के हैं. हमारे थ्री टाइप के कैपेसिटर, एक तो कौन सा है, स्फेरिकल कैपेसिटर. ठीक है, सेकंड हमारा कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया. सेकंड हमारे पास कौन सा है, स्फेरिकल कैपेसिटर के पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. और थर्ड हमारे पास कौन सा आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये हमारे पास है. जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वो सिलेबस में नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं तो उसके बीच के अंदर अब एक दो न्यूमेरिकल है, इसलिए आसान सा है, इसलिए हम इसकी डेरिवेशन कर लेंगे आगे चल के. स्फेरिकल कैपेसिटर की बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, इसलिए हम इसको करेंगे. और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कुछ नहीं आता, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है. और एक फॉर्मूला जरूर इसके अंदर है और एनसीईआरटी में उसके लिए भी बिल्कुल मना कर दिया गया, तो हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे. सेकेंड हमारे पास पैरेलल प्लेट, यानी कि लास्ट हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या होती है पैरेलल प्लेट, यानी कि दो प्लेटें होंगी और उनके बीच में डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे. सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ये सभी कैपेसिटर का प्रिंसिपल है. ठीक है, ये नहीं है पैरेलल प्लेट, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. तो प्रिंसिपल आता है सबसे पहले कैपेसिटर का, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, दिस इज अवर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर क्या है कि हमने एक प्लेट लिखने वाली प्लेट है और इसको हमने इंसुलेटर लिया, ये इंसुलेटर और ये हमारी क्या है प्लेट. कैसी प्लेट है, कंडक्टिंग. दिस इज अवर कंडक्टिंग प्लेट, दिस इज अवर कंडक्टिंग प्लेट, ये हमारी कंडक्टिंग प्लेट. तो हमने एक प्लेट रखी है, हमने और हमने कैसे कंडक्टिंग प्लेट. अब हम इस कंडक्टिंग प्लेट को क्या करना शुरू कर देते हैं, चार्ज देना शुरू कर देते हैं. तो मैंने इसको चार्ज गिवन किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको गिवन किया. अब मैंने पीछे बताया था आपको लन रखना है, कोई भी मेटलिक बॉडी अगर हम इसको चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ठीक है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट क्या काम करती है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है. जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, अब मैं इसको चार्ज देता जाऊंगा ये डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी कि इसके बाद ये और चार्ज को अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती. इसका मतलब इसने कितना चार्ज तो स्टोर कर लिया, ये इसके ऊपर आगे जितना चार्ज इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया. पर इसको अब इसके क्या आगे लिमिट आ गई, अब ये और चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती. अब मैंने इसके अंदर तो और चार्ज स्टोर करना है, तो मैं इसके पास एक कंडक्टिंग प्लेट लिया हूं. तो मैंने एक कंडक्टिंग आइडेंटिकल लाया हूं, जैसी प्लेट ये है वैसी ही प्लेट लिख के आया हूं. और कैसे आया हूं, कंडक्टिंग है और इस क्लोज लिया है, जैसे क्लोज लिया है, तो ये
इसके क्लोज एक कंडक्टिंग प्लेट भी है, ठीक है, सॉरी नो कंडक्टिंग प्लेट में इसके पास दिया है। अब क्या काम करेगा, अब कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके अंदर क्या मौजूद है, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा, जितने पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरी तरफ प्लेट के अदर साइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें कुछ अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब कुछ एनर्जी इसकी चार्ज और ज्यादा लॉस हुआ है, यानी कि और चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनेगी चार्ज एनर्जी की, तो हम यहाँ से और चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी क्या काम कर, हम बाहर से और चार्ज दे रहे हैं तो और एनर्जी को क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, पर क्या होगा एक लिमिट के बाद फिर एनर्जी स्टोर बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे फिर इसके अंदर और एनर्जी स्टोर करनी, तो मैं क्या काम करूंगा, इस प्लेट को अर्थिंग कर, मैंने ये प्लेट अर्थिंग कर, अर्थिंग करने से क्या होगा, मेटल है कंडक्टर, मेटल है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और ये इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्लेट के अंदर, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ये क्या काम करेगा, और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा और इस तरीके से लार्ज अमाउंट में चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको क्या लिखना है प्रिंसिपल में, हालांकि आपको ये समझने के लिए है, लिखना सिर्फ इतना ही है कि When it is the principle, principle के अंदर क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है ऑफ ए प्लेट ऑफ एन अनदर टू ब्रिंग ए अर्थिंग प्लेट, एक अर्थिंग प्लेट नियर टू द अनदर प्लेट टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि एक प्लेट है उसके पास हम एक अर्थिंग प्लेट ले आते हैं और जो क्या काम करती है, जिसकी हेल्प से बहुत सारा चार्ज वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ऐसे करेंगे, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर तो वेरिएबल कैपेसिटर के लिए हम बीच में एरो यूज करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि वेरिएबल कैपेसिटर की नोटेशन करिए, तो वेरिएबल कैपेसिटर की नोटेशन नीचे वाली है, ऊपर वाली कौन सी होगी, हमारी कैपेसिटर ही सिंपल कैपेसिटर, वेरिएबल का मतलब हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर बोलेंगे, और ये हमारा कैसा हो गया, फिक्स कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी कैपेसिटर का डायग्राम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल होने के बाद अब मैं करता हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन, स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन के बाद फिर हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन, तो देखिए डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, यहां लिखने डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, मैंने एक ये प्लेट बनाई यानी कि ये वाली प्लेट, ठीक है, ये कैसी है, पैरेलल है और कैसी है, टू डायमेंशन मतलब प्लेन है, यानी कि इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप की इस तरीके से प्लेट है, जैसे कि पीस होता है, और उसको मैंने ऐसे की बजाय ऐसे लिख दिया, तो आपको ये लाइन दिखाई देगी ना, तो ऐसे प्लेट है, अब स्फेरिकल है, मैंने स्फेरिकल को सामने रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, उसके बाद क्या है, गैप, ये गैप है, तो इसके बाद भी गैप करके ये गैप, और इसके चारों ओर ये दूसरी प्लेट, ये प्लेट किस टाइप की है, रिंग टाइप की, रिंग टाइप की प्लेट, यानी कि सर्कुलर है ना, ये रिंग टाइप की होगी, ठीक है, और ये कैसे सॉलिड, यानी कि यहां पर कुछ रखे हैं तो खोखली नहीं है, ठीक है, होलो नहीं है, ये बिल्कुल जैसे खाना खाने वाली प्लेट होती है उस तरीके की है कि इसके ऊपर कोई चीज रखेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी, तो ये वाली इस तरीके की है और ये रिंग टाइप की, ठीक है, इसके उसके बीच में एक नीचे गिर है, और ये कैसी होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए, तो ये मैंने अर्थिंग कर, और इसके ऊपर यहां पर ऐसा ना कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया,
हो गया। इसका यहां से यहां तक इस वाली का रेडियस आर ए है, जो सोलिड प्लेट है पॉजिटिव वाली, उसका रेडियस आर ए। इस वाली का क्या है आर बी, इसका आर बी। तो हम पोटेंशियल किसका निकाल लेते हैं, पहले इस प्लेट का निकाल लेते हैं, फिर हम इस प्लेट का निकाल लेंगे। तो इस प्लेट के पोटेंशियल को हम वी वन बोल देंगे, इस वाली प्लेट के पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे वी टू। तो देखिए पहले आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं, हम इसको रफ कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं वी वन। वी वन क्या हो जाएगा क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे वी टू निकालेंगे, वी टू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर बी। कौन सा बड़ा है, वी वन बड़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी वन माइनस वी टू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें से, क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर ए माइनस वन बाई आर बी। ठीक है, कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए और आर ए और आर बी आ गया। ठीक है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर बी माइनस आर ए, आर ए इंटू आर बी, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या आता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये वी की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, सॉरी क्यू है ये, ये वी की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो q बाई क्यू। ठीक है, ये चला जाएगा फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी माइनस आर ए आर बी माइनस आर ए। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, तो इसको ध्यान रखना है, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या उसे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सी आ गया। ठीक है, तो किसका किसकी वैल्यू आई है, डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन है। तो सिंपल सी हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हमने क्या काम किया, पोटेंशियल निकाला वी वन निकाला वी टू निकाला और पोटेंशियल डिस्टेंस निकाला, इसे इसको सब्ट्रैक्ट किया वी की वैल्यू वाली और हमने सी इक्वल टू क्यू बाई वी करके हम इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर आ गए। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे टू प्लेट, दो प्लेट कंसीडर कर, एक प्लेट हमने ये ले ली, दूसरी प्लेट हमने ये। ठीक है, तो लिखें कंसीडर टू पैरेलल प्लेट, हैव ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, d is the distance between them, distance between two plate, ये दो plate है उनके बीच की distance, a क्या हो गया इसका cross section area, d distance हो गई, a इसका cross section area parallel plate का। दो चीजें होगी हमारे पास, area हो गया distance हो गया। अब हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट के अंदर अब हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, इधर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होगी अर्थिंग, अर्थिंग फिर बना रखी कईयों में नहीं बना रखी, पर ये अर्थिंग होती है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, काफी बुक्स में बना रखी, किसी में नहीं बना रखी, पर ये अर्थिंग प्लेट है।
अब क्या है, मैंने क्या बताया था कि पीछे का आर्टिकल हो, जब मैंने ध्यान दिलाया था, कोई भी अगर एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, टू पैरेलल प्लेट का किया था जिसमें तीन रीजन बने हैं, तो उसमें प्रूव किया था पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में अगर गैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो हमें क्या निकालना है, पहले पोटेंशियल निकालना, उसी तरीके से पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, डी हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो सिग्मा को मैंने लिखा क्यू बाई ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इक्वल टू। अब सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू बाई बी बी की वैल्यू रखिए, सी इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई बी ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या उसे क्या कैंसिल हो गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। ठीक है, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर, जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के। अब डी जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, इसीलिए स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट करना पड़ता है। कभी कई बार बच्चे कहते हैं अगर मैं डी बिल्कुल कम करता तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी, तो इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इतना हम इंफिनिटी चार्ज कहां से स्टोर करेंगे, अब उसके बाद एरिया ऑफ प्लेट जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, डी जितना कम होगा उतनी ही कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर ये जो एयर है ना, इसकी जगह हम डाई, क्योंकि एयर भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक, तो कई जगह हम ये बोल सकते हैं डी टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक, यानी कि दो पैरेलल प्लेट है और उसको हमने आइडेंटिकल है और उसको हमने किससे सेपरेट कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक, तो इट इज ऑल्सो एज ए इट इज ऑल्सो ए नोन एज ए कैपेसिटर, उसको भी हम कैपेसिटर कहेंगे। और अगर एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी के टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगी, हाउ मच टाइम्स इंक्रीज, के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।